रायपुर के महापौर एजाज ढेबर द्वारा रूस दौरे के दौरान मेट्रो को लेकर एमओयू पर पूर्व मंत्री एवं रायपुर के विधायक राजेश मूणत ने कहा कि रूस में महापौर एजाज ढेबर जिस परिवहन विकास विभाग की बैठक में हिस्सा लेने की बात कह रहे हैं उसका निमंत्रण मास्को शहर के डिप्टी मेयर ने दिया था, न कि वहाँ की सरकार ने। मेयर ढेबर जिस लाइट मेट्रो के एमओयू की बात कर रहे हैं ऐसा दूसरे देश के साथ तभी हस्ताक्षरित किया जा सकता है जब संबंधित विभाग पदाधिकारी को केंद्र सरकार की समिति से मंजूरी मिली हो। अगर मेयर ने कथित एमओयू पर दस्तखत किए हैं तो इसकी भारत में कोई वैधता ही नहीं है, ये उनकी व्यक्तिगत यात्रा है, इसके लिए राज्य सरकार से न अनुमति मांगी गई न दी गई, वे सरकार का प्रतिनिधित्व कर ही नहीं रहे हैं, इसलिए ये दौरा सरकारी नहीं है। एमओयू संपन्न किया, ये एमओयू की वैल्यू क्या? राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं, राज्य सरकार को कोई जानकारी नहीं, नगर निगम का कोई वरिष्ठ अधिकारी नहीं। और जब कोई किसी पार्टी के साथ एमओयू संपन्न होता है तो दो सरकार के बीच में, दो पार्टियों के बीच में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा एमओयू संपादित होता है। ना तो नगर निगम कमिश्नर उस कार्यक्रम में है, ना कोई नगर निगम का कार्यक्रम है, ना शासकीय प्रतिनिधि के रूप में वहां आप सम्मिलित होने गए। आप अपने स्वयं की पर्सनल यात्रा में एक सरकार के द्वारा बिना जानकारी के एमओयू कर लेना और रायपुर की जनता को सगबात दिखाना, मैं पहले से सोच रहा था कि इस प्रकार से होना चाहिए। क्या आपके पास कोई इसके डॉक्यूमेंट, विजन डॉक्यूमेंट है? क्या राज्य सरकार की सहमति या नगर निगम प्रशासन की कोई सहमति के आधार पर आपने एमओयू संपादित किया? खाली रायपुर की जनता को चुनाव के पहले सजबाग दिखाने का काम एक बार फिर रायपुर की महापौर ने किया। इस प्रकार से 5 साल इस शहर को चारों तरफ अतिक्रमण के रूप में खड़ा कर दिया। कोई रोड ऐसी बाकी नहीं जिसमें अतिक्रमण हो, शहर का कोई ऐसा हिस्सा बाकी नहीं जिसमें अवैध कॉलोनियों का निर्माण ना हुआ। और इन सब के अंदर होने के बाद भी जब कुछ काम आप नहीं कर पाए तो आपने जाकर के बता दिया मास्को के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के साथ महापौर के बीच में एमओयू। ये जनता के गुमराह करने वाला, नियमों के विपरीत। कोई भी महापौर बिना सरकार के, बिना प्रशासनिक अधिकारी के एमओयू संपादित नहीं कर सकता। उस एमओयू की कोई वैल्यू नहीं है, जनता को गुमराह ना करे। आप देख रहे हैं मैं मेट्रो ट्रेन में सफर कर रहा हूँ और आप सबको पता है कि आज एक एमओयू हुआ है हमारे और मास्को रशिया के बीच में। ये टोटल 150 देश में 15 देश को चुना गया, जिसमें हमारे रायपुर शहर को भी चुना गया है। मुझे खुशी इस बात की है कि जिस जो सपना हमारे रायपुर के वासी देखते थे, जो सपना हमारा छत्तीसगढ़ देखता था, जो सपना मैं देखता था, वो सपना मुझे लगता है साकार होने जा रहा है। बहुत जल्दी इनकी पूरी टीम हमारे शहर रायपुर में आएगी और जिस ट्रेन में अभी मैं बैठा हूँ, अभी जिस ट्रेन को आप देख रहे हैं, अभी मैं उनसे बोलूंगा कि पूरा एक बार आपको ट्रेन भी पूरा आपको दिखाएंगे, वही सेम ट्रेन हमारे शहर में भी चलेगी। मैं अपने जितने भी मेरे वहां पर रायपुर के वासी उनको बहुत बधाई देता हूँ कि 3 साल की जो मेहनत थी वो रंग लाई। लगातार हम 22 में भी मास्को रशिया आए, 23 में भी हम मास्को और रशिया आए, अब 24 में जाके जो वो है हम लोग के बीच में एमओयू आज हुआ है। मुझे खुशी है कि हमारे शहर के लोग बहुत जल्दी लाइट रेल और मेट्रो रेल का मजा ले सकें। नमस्कार।